नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूनिट सेल्फ स्टडी में आज हम फ्रांस का जो तीसरा वीडियो है वो है फ्रांस सिविल सर्विसेज के बारे में उनके बारे में पढ़ते हैं कि फ्रेंच सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर उनके यूनिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है देखिए फ्रेंच सिविल सर्विसेज जो हैं वो मिड ऑफ नाइन्टीन सेंचुरी तक क्या होता था वहाँ पर सेल ऑफ ऑफिस एक सिस्टम चलता था उसमें क्या किया जाता था कि ऑफिसिस या सरकारी पोस्टों का बोली लगाई जाती थी तो लोगों को एंट्री ऑफ द सिविल सर्विसेज मतलब सिविल सर्विस में एंटर करना था एक पोस्ट खरीद लीजिए और आ जाइए वैकेंट पोस्ट जब भी भी होते थे उनको बेचा जाता था हाईएस्ट बिडर को पब्लिक ऑक्शन में अभी सिस्टम के भी एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे सिस्टम क्या था कि एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बिल्कुल अलग चीज़ है भाई जो आदमी पैसा दे के आया वो पॉलिटिकल की बिल्कुल नहीं सुनने वाला पैटर्नेज कुछ नहीं था इसमें ठीक है कोई किसी का पिताजी नहीं बन जाता था तो बिना तो बात में यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता था, था भाई गवर्नमेंट सीटी बेच बेचती पर सबसे बड़ी चीज़ ये तो अनडेमोक्रेटिक है ये तो मजाक है अब गरीब आदमी है पुअर पीपल विल नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी मेरिट प्रिंसिपल था ही नहीं ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट चीज़ हो गई तो मतलब हर चीज़ बिकाऊ नहीं हो सकती ना कुछ वैल्यूज़ इनको रखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ़ सेल there वर टू मोर methods टू गेट एंट्री into the द सिविल सर्विसेज दो और मैथड थे गिफ्ट और प्रेजेंट इनाम में दे दी गई इनहेरिटेंस भी एग्जिस्ट करता था कि इनहेरिट की गई पिताजी कलेक्टर थे तो बेटा भी कलेक्टर हो गया 1789 का रेवोल्यूशन का शुक्र मनाइए उसने ये सब व्यवस्था का अंत किया ठीक है बहुत बड़ा बेसिक चेंज लाया गया इसीलिए रेवोल्यूशन जो होते हैं ना वही अपना मार्क आज के हमारे स्ट्रक्चर जो हैं वो रेवोल्यूशन के कारण ही हैं आंदोलन क्रांति जो होती है वो एक बदलाव का आंधी होती है तो इट हैड ब्रॉट अ बेसिक चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विस सिविल सर्विस व री स्ट्रक्चर्ड रीऑर्गनाइज एंड वेड एज पर द डिजायर ऑफ द पीपल मेरिट प्रिंसिपल वॉज ब्रॉट इन एटीन एटीन फोर्टी सेवन सॉरीट वॉर द टाइम वेन द मेरिट प्रिंसिपल बॉडीन ऐसा हो गया था कि डिपार्टमेंट्स में बटके एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन के रूप में इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन के रूप में एक नेशनल सिंबल के रूप में फ्रेंच सिविल सर्विस का उदय होते होते सौ साल लग के लगभग इनको देखिए रिफॉर्म्स कौन कौन से आए थे यहां पर फॉलोइंग पॉइंट्स पर जो है रिफॉर्म्स आया गया था कि सेंट्रल सर्विसेज डायरेक्टरेट इनका नाम है डायरेक्शन जनरलिट डी ला फॉक्शन पब्लिक ये फ्रेंच में लिखा गया है इसको इंग्लिश में बोलें तो सेंट्रल सर्विसेज डायरेक्टरेट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वॉज डायरेक्टली कंट्रोलिंग द सेंट्रल सर्विसेज डायरेक्टरेट मीन्स इट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन विच विल एडमिट विल मैनेज द सिविल सर्विसेज इन फ्रांस फ्रेंच सिविल सर्विसेज व मेड यूनिफाइड मतलब कंट्री विदिफॉर्मिटी इन टू दिविल सर्विस सो इट वॉज मेड यूनिफाइड सिविल सर्विस रिफॉर्म ऑफ नाइनटीन फोर्टी सिक्स फोर कैटेगरी ऑफ द सिविल सर्विस व फॉर्म चार कैटेगरी हो गई थी स्पेशलाइज फंक्शन नॉन स्पेशलाइज फंक्शन प्लानिंग इन ड्रेक्शन फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन ये चार कैटेगरी के सिविल सर्वेंट्स हो गए थे जो इनके काम से जाने जाने लगे किसी के पास स्पेशलाइज फंक्शन थे किसी के पास रूटीन फंक्शन थे किसी के पास प्लानिंग का फंक्शन था किसी के पास एग्जीक्यूशन या उसको अप्लाई करने का फंक्शन था रिक्रूटमेंट कैसे होता है कि ई एन ए ये नाम आपको बहुत सुना देगा ए नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन ये नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका हिंदी मान लीजिए इंग्लिश अनुवाद है नेशनल स्कूल ऑफ राष्ट्रीय स्कूल है प्रशासन का इकॉल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स ऑफ द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज आर सिलेक्टेड थ्रू ईएनए एन सिविल सर्विसेज जिनको ग्रैंड कॉप्स बोला जाता है वो इसके थ्रू सिलेक्ट होते हैं इकोले पॉलिटेक्निक फॉर साइंस ठीक है ये इकोले ये नेशनल स्कूल फॉर पॉलिटेक्निक इट इज़ फॉर साइंस स्टूडेंट्स और इकोले नेशनल डेस्क इम्पोर्ट्स इज फॉर फ्रांस तो थ्री वेरी मेजर स्कूल्स ई एन ए पी एन ई एन डी आई ये चार तीन स्कूल हैं जो वहाँ पर सिविल uh, सर्विसेज के अलग अलग ब्रांचेस को देखते हैं पॉलिटेक्निक तो साइंस के लिए हो गया और इकॉले नेशनल डेस एम्पोर्ट्स हो गया फ्रांस के लिए नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या ई एन ए नाइनटीन फोर्टी फाइव में पेरिस में स्टैब्लिश किया गया था प्लीज नोट द डेट

सिविल सर्वेंट्स लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद आए पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आए स्टाफ बनने के बाद आए तब की ट्रेनिंग नो सच इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग इन इंडिया यूके और यू एस के पास कितने वास्ट फंक्शन है देखिए रिक्रूटमेंट है ट्रेनिंग है पोस्ट एंट्री सब कुछ इसी को दे दिया है जबकि भारत में यूपीएससी के पास रिक्रूटमेंट है ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री है अकेडमी है उनको दे दिया गया पटेल अकेडमी है फाइनेंशियल कॉलेजेस हैं वो सब कराते हैं पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग भी इसी के पास है ही के पास जबकि भारत और यूके और इसमें ऐसा इतना वास्ट फंक्शन इतना नहीं है ट्रेनिंग के बारे में हम, हम कहें तो फ्रेंच मॉडल ऑफ जो पैटर्न है वो इट इज़ फेमस पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड एंड अप्रिशिएटेड अराउंड द वर्ल्ड इसके फीचर क्या है इट्स अ मोर प्रैक्टिकल सिस्टम लेस थियोरेटिकल इट इज हैंडल्ड बाय द सिविल सर्विस एंड सर्वेंट्स दमसेल्व ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए बाहर से एक्मंडेशन बुलाए हुए हैं वो पढ़ाने ऐसा कुछ नहीं है ये यह यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स को ही सब पढ़ाना है सब कुछ करना है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में भी एक्सपीरियंस के लिए इनको भेजा जाता है एक दो महीने और वहाँ से एक्सपीरियंस लिया जाता है तो इनमें एक तरह से जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट जो स्किल्स हैं वो इंस्टिल करने का वो भरने का कार्य ट्रेनिंग का लक्ष्य होता है तीन साल का एक लंबा ड्यूरेशन इसमें दिया जाता है ट्रेनिंग की बात और करें तो ई एन ए जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है किसके लिए पी जी कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर है ये ठीक है पी जी कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग है ये अट्ठाईस मंथ की ट्रेनिंग देता है ग्रेजुएट्स को ये ठीक है जिसके बाद ये ग्रैंड कॉप्स और मिनिस्ट्रीज यानी टॉप लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो जाते हैं अट्ठाईस मंथ की ट्रेनिंग दो फेज़ की होती है पहला फेज बोलते हैं स्टेज वन इसको प्रीफेक्चर बोला जाता है ग्यारह मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है एक प्रीफेक्ट जो बंदा होता है वो सुपरवाइज करता है इसको पूरे इस ट्रेनिंग के दौरान जब प्रीफेक्चर अटेंड कर लेता है जो ट्रेनिंग है वो बाद में वापस चले जाते हैं ई एन ए में ठीक है प्रीफेक्चर बंदे कंप्लीट करने के बाद स्टेज टू में सत्रह महीने की ट्रेनिंग ई एन ए में दो महीने की अटैचमेंट टू तो द प्राइवेट सेक्टर भी होती है इस ट्रेनिंग के दौरान और इस तरीके से अट्ठाईस महीने में वो अपना एक एफिशेंट सिविल सर्विस विच इज सूटेड डू दे नीड्स इज प्रोड्यूज प्रमोशन में मेरिट और सीनियोरिटी दोनों प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं कॉप्स uh, जो है, वो, uh, हैं वो कैसे डिवाइड किए गए हैं ग्रेड्स अलग अलग होते क्लासेज होती है और कैलेन्स uh, होते हैं तीन तरह के डिविजन्स हैं वहाँ के इन्ह ने जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स की सबमिट समी करता है सबमिट uh, करता है एडवाइजरी कमेटी को और वो उनमें से बंदे सेलेक्ट करके उनको मेरिट में दिखा दिया जाता है सिविल सर्विसेज इन फ्रांस कैन ऑल्सो भी प्रमोटेड टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रमोट किया जाता है इसको और जब वो वापस आता है तो उसको अपने राइट्स वगैरह सब इंटैक्ट मिलते हैं प्योर सर्विसेज फार्मूला जो है उसको जनरल ग्रिड फार्मूला बोला जाता है एक हर एक पोस्ट का फिक्स्ड इंडेक्स नंबर है एक बेसिक सैलरी है इंडेक्स जो, जो है हॉर्स क्लास या टॉप क्लास जो सिविल ऑफिशियल है उनको अप्लाई नहीं होता है पे जो है वो कंट्रोल की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ने और 1959 के एक्ट्स के थ्रू एम्प्लॉयी कैन एसोसिएट विद द ट्रेड यूनियंस प्लीज नोट दैट द फ्रेंच एम्प्लॉयज कैन एसोसिएट विद द ट्रेड यूनियंस लाइक यू एस ए राइट टू स्ट्राइक इज परमिटेड बाय फ्रांस ने भी परमिट किया है सिविल सर्वेंट्स आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन द पोलिटिकल एक्टिविटीज पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल फ्री है पार्टिसिपेट करने के लिए और अप वो किसी अपनी आइडोलॉजी के हिसाब से पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं कॉन्टेस्ट भी इलेक्स इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं उसके बाद रेजिग्नेशन देना होगा उनको ठीक है और अगर वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो उनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है सिलेक्ट में हो जाते हैं तो एक्चुअली वो साथ में रहेंगे वापस आके अपनी ये सर्विस जो है रीजॉइन कर लेंगे सारे बेनिफिट उनके इंटैक्ट रहेंगे रिटायरमेंट एज केवल साठ साल है वह तो ये थे सिविल सर्विसेज के फ़ीचर्स सब कुछ कवर कर दिया मैंने इसका लगभग आपको कहीं एग्जाम में कोई चीज़ बाहर नहीं जाने वाली आप ये जो हमारे चैनल्स हैं उनको यूट्यूब को सब्सक्राइब करें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं आपका शुक्रिया धन्यवाद